नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पुणे गया हुआ था, पुणे में पत्रकारों की एक कार्यशाला थी, उसका मैं चीफ गेस्ट था। एक यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चर देना था। मैं जैसे ही लौटा, फ्लाइट से निकला, राजीव रंजन जी का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि माधवी पुरी जी जो सेबी के अध्यक्ष हैं, उनके पति का एक बहुत जबरदस्त मैटर है। सिंगल कम थे, मैंने कहा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सीधा आपसे बातचीत करता हूँ। तो मैं आज उनसे बातचीत जो करने जा रहा हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट की बहुत सारा गड़बड़ झाला मुझे भी समझ में नहीं आता। अपन इतना जानते हैं कि कुछ पैसे लो, कुछ पैसे लगा दो, वो कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन क्या क्या होता है उसमें, एक सपोर्ट होता है और एक उसमें फ्यूचर होता है, ये सब टेक्निक मुझे नहीं पता। लेकिन जो बिजनेस के पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, एक इंटरनेशनल मैगजीन में काम करते हैं और बिजनेस के बेहतरीन पत्रकार हैं, तो मैंने कहा मैं पहुँच के आज आपसे शेयर मार्केट के और माधवीपुरी बीच सेबी के अध्यक्ष पद से मोदी जी क्यों इतना डर रहे हैं, उनको हटा नहीं पा रहे, इन सब मुद्दों पे मैंने बात करूंगा उनसे। तो आज की बातचीत रोचक होगी, आप जरूर सुनिएगा। उससे पहले, आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। एक सपना था मेरा 4 PM म्यूजिक को लॉन्च करने का, कि एक म्यूजिक चैनल ऐसा बने जिसमें पूरी देश की जो गरीब प्रतिभाएं हैं उनको मौका मिले। मुंबई में बड़े बड़े लोग गाना गाते हैं, एक गरीब को भी मौका मिले। हमने जब म्यूजिक चैनल बनाया, आप सब दर्शक जानते ही हैं, तो प्रयागराज का एक नौजवान का गाना मेरे पास आया, गाड़ी में, गैरेज में गाड़ी धो रहा था। उसको मुंबई भेजा हम लोगों ने, उसको पूरा, उसको गाना उसके लिए तैयार कराया, उसको रियाज कराया, और वो शुभ दिन आ गया। आज उसका गाना रिलीज हो रहा है, आज 10 बजे शनिवार को 10 बजे उसका गाना रिलीज हो रहा है। एक शहनवाज जो गाड़ी धो रहा था, बहुत गरीब घर का था, मुंबई तक की उसकी यात्रा पे लिखा हुआ गीत है, खुद शहनवाज ने गाना गाया है। मेरा बड़ी आपसे दरख्वास्त है कि ये उसका आप लिंक देख रहे हैं 4 PM म्यूजिक का, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शहनवाज के गाने को जितना आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं जरूर भेजिएगा। एक गरीब को एक इतना बड़ा मुकाम मिल जाए कि किसी दिन फिल्म इंडस्ट्री का कोई आदमी आके उससे गीत गवाए और उसकी जिंदगी बदल सके। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर महीने ऐसे गरीब प्रतिभाओं को ढूंढेंगे, तलाशेंगे, उनके गीत जिनके अच्छे होंगे उनको बुलाएंगे और उनसे म्यूजिक को बम्बई में रिकॉर्ड करा के फिर करेंगे। आपको लग रहा होगा कि कहाँ पॉलिटिकल बातों के बीच में मैं गीत संगीत की बात किया, लेकिन मेरे दिल को, शहनवाज मेरे ऑफिस में आया तो मैं उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसका गीत जरूर जाके सुनिएगा, ये लिंक दिख रहा है। और हम चलते हैं राजीव रंजन जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं राजीव जी से पूरी बात करने के लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव भाई आपका। आपका फोन आया था, उस समय वो फ्लाइट से उतरा था तो आवाज कट रही थी। फिर आपने जब मुझे बाद में बताया कि माधवी बुच के पति की कहानी, तो मैं चौंका। मैं सीधा एयरपोर्ट से ऑफिस आया, पहले मैं कहा आपके साथ रिकॉर्ड करूं, उसके बाद घर जाऊं। ये जो शेयर मार्केट है, ये जो ऊपर नीचे होता है, इसका खेल मुझे आज तक समझ में नहीं आया। थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो लगता है कि यार लगा दो इसको, देखो कौन सा ऊपर आ रहा है कौन सा नीचे आ रहा है, लगा दो। फिर 8-7 दिन बाद देखते हैं कि इसमें कितना ऊपर गया कितना नीचे आ गया, ये भी थ्रिल देता रहता है कि थोड़ी पूंजी इसको लगा दो। लेकिन जब जिस तरह की खबरें आई, से भी माधवी बीच और उनके पति की, आपने जो मुझे रास्ते में कहानी बताई, मैं चौंक गया। ये जो बिजनेस, चूंकि आप बिजनेस के पत्रकार रहे हो, आप देश के क्या दुनिया के जाने माने पत्रकार रहे हो, क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, क्या कहानी है इसकी? देखिए, पवन खेड़ा जी ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। उसमें एक खुलासा आया था कि ब्लैकस्टोन ने और महिंद्रा एंड महिंद्रा, कई सारी कंपनीज ने जो है वो धवल बुद्ध जी को कंसल्टेंसी फीस दी है। अभी धवल बुद्ध जी माधवी के पति को, हाँ, ये कौन है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये माधवीपुरी बुद्ध जी के हस्बैंड है, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का, नारी शक्ति का ऐसा दौर चला है संजय जी, कि पहले क्या होता था कि आदमी अगर कोई अच्छी पोस्ट पे रहे तो उसका फायदा उसकी बीवी को मिलता था। अब नारी शक्ति के इस दौर में बीवियों के अच्छे पोजीशन का फायदा उनके मर्दों को मिल रहा है। चंदा कोचर के केस में हम देख चुके हैं, ठीक है। माधवीपुरी बुद्ध जी के केस में पवन खेड़ा जी ने बहुत सारे खुलासे किए हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो हास्यास्पद या जो संदेह पैदा करने वाली चीज जो मुझे लगी, वो ये लगी कि 2.5 करोड़ रुपए जो है वो LIC ऑफ इंडिया ने धवल बुद्ध जी को पिछले 4 साल में कंसल्टेंसी फीस दी है, जो मेरे पास में डॉक्यूमेंट आए। ढाई करोड़ रुपए दिए, 2000 कंसल्टेंसी फी, सैलरी फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया PNGS डिपार्टमेंट।
ये मिला के 2019-20 से लेके 2022-23 तक 2,52,00,000 रुपए जो है वो धवल बुज्जी के पास में आए हैं। अब देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि ये सही जानकारी है, मेरे पास में जो डॉक्यूमेंट आए हैं वो सही है कि नहीं है। इसी के लिए मैं कुछ दिन पहले बॉम्बे में था, मैंने माधवीपुरी बुज्जी को फोन किया, तो उन्होंने मेरा फोन काट दिया और बोला राजीव टेक्स्ट मी। तो मैंने मैसेज किया उनको कि भाई मैं बॉम्बे में एक दिन के लिए आया हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। परंतु उन्होंने उस मेरे मैसेज का कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं इनको मौका देना चाहता था, इनकी आंखों में आंखें डाल के मैं प्रश्न पूछना चाहता था कि आप बताइए आपके पति LIC को किस तरीके की कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ये क्यों बात आ रही है। भाई आपके हस्बैंड, जब इनका ब्लैकस्टोन के साथ नाम जोड़ा गया तो एक खंडन या बोल लीजिए क्लेरिफिकेशन आया माधवीपुरी बुज्जी की तरफ से, धवल बुज्जी जी की तरफ से, कि भाई वो जो है वो लॉजिस्टिक के एक्सपर्ट है, धवल बुज्जी जो है वो लॉजिस्टिक के एक्सपर्ट है। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई LIC, मतलब अगर ये वही LIC है जो हम सभी का जीवन ये करती है, बीमा करती है, तो LIC को ऐसा कौन सा लॉजिस्टिक एक्सपर्टाइज चाहिए। भाई मुर्दों को कहीं यहां से वहां तो लेके जाने का प्रश्न नहीं उठता है, तो किस तरीके का LIC को एक्सपर्टाइज चाहिए कि LIC ने पिछले 4 सालों में इनको 2,52,00,000 की फीस दे दी। माधवीपुरी बुज्जी से मैं सवाल पूछना चाहता था, परंतु उन्होंने मिलने से इनकार, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, इनकार तो छोड़िए, ठीक है। तो सवाल ये उठता है, देखिए अगर यही धवल बुज्जी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अगर एक्सपर्टाइज दे रहे रहते, अगर वो ऑल कार्गो गति को दे रहे रहते, अगर वो TCI एक्सप्रेस को दे रहे रहते, यानी ये सारी लॉजिस्टिक कंपनीज के नाम है जो लिस्टेड है, अगर इन लिस्टेड कंपनीज को धवल बुज्जी अपने लॉजिस्टिक की एक्सपर्टाइज दे रहे रहते, कंसल्टेंसी दे रहे रहते, तो प्रश्न नहीं उठता। वो दे किसको रहे हैं, वो ब्लैकस्टोन को दे रहे हैं, और ब्लैकस्टोन को देने के बाद में ब्लैकस्टोन का जो है वो रिट आ जा रहा है एम्बेसी जहां इन्वेस्ट किया उन्होंने। LIC, मैं आपको बता रहा हूं, LIC का IPO जो था उसमें इतने ज्यादा एग्जेम्पशंस दिए गए थे कि मतलब मैंने तो बहुत सारी स्टोरीज की, आप लोग रीडर जो हैं वो गूगल करके पढ़ सकते हैं, बोगस एप्लीकेशन स्पैम्ड LIC IPO, ये मेरी 23 मई की स्टोरी है, आप ये डालिए गूगल में आपको मिलेगा। 73,00,000 LIC के IPO के लिए एप्लीकेशन आए थे जिसमें से 20,00,000 फर्जी थे, तो उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, वो किसने फर्जीवाड़ा किया, वो आज तक सेबी ने बताया नहीं है। एक स्टोरी मैंने किया था सी ऑफ एग्जेम्पशंस टू LIC IPO ओपन ए कैन ऑफ वर्म्स, ये मई 9 2022 की स्टोरी है, इस पे भी इतने एग्जेम्पशन सेबी ने दिए कि जिसका कोई और छोर नहीं है। मैंने सेबी को इतने प्रश्न लिख के भेजे थे, LIC को प्रश्न लिख के भेजे थे, इन्होंने एक के भी जवाब नहीं दिए। मतलब आप ये समझिए, मैं तो एक सोच रहा हूं किताब लिख दूं कि भाई व्हाट यू लर्न फ्रॉम यू नो सेंडिंग क्वेश्चनियर्स टू LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन लोग को सवाल भेजो, कभी जवाब नहीं आते, ठीक है। तो ये माधवीपुरी बुज्जी से मैं मिलके पूछना चाहता था कि मैडम आप ये बताइए कि आपके हस्बैंड LIC को क्या एक्सपर्टाइज देते हैं। RTI में पूछे, सूचना के अधिकार में पूछे, तो भी जवाब नहीं देंगे ये लोग। देखिए सूचना के अधिकार में पूछने पर जवाब हो सकता है, वो बोल दे कि सेबी सेंसिटिव हो, LIC से पूछ सकते हैं। LIC तो पूरे भारत सरकार की कंपनी, 97.5% स्टेक जो है वो भारत सरकार के पास में है, और सिर्फ 2.5% स्टेक ही IPO में निकाला था, वो अपने आप में बहुत बड़ा एग्जेम्पशन था। यदि आप मेरी स्टोरीज पढ़ेंगे, जो हेडलाइन मैंने आप लोग को बताई स्टोरीज की, आपको पूरा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। और जब ये एग्जेम्पशन सेबी दे रही थी LIC को, उसी वक्त में धवल बुज्जी जो है वो कंसल्टेंसी फी ले रहे थे LIC से, यदि ये बात सही है तो। और यदि मैं गलत हूं तो खंडन आप पेश करें, ना तो आप मिलते हैं, ना आप सवालों के जवाब देते हैं, ना आप खंडन देते हैं, आप सीधा धमकी देते हैं कि हम आपके ऊपर में कोर्ट में केस कर देंगे। तो भाई यदि हमारे पास में कोई जानकारी है और हमें दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिल पा रहा, तो हम क्या करें, वो जानकारी को लेकर क्या बैठे रहेंगे अपने पास में। आपका फर्ज बनता है, देखिए मैडम बुच, यदि आप ये वीडियो देख रही हैं, तो आप ये समझिए कि आपके पास में पावर है, आप कोई भी कंपनी को बुलाती हैं, आप उनसे प्रश्न करती हैं, आप उनकी जांच करती हैं, आप उनको जांच के कटघरे में खड़ा करती हैं, ठीक है, और फिर यदि गलत पाए जाते हैं तो आप उनको दंडित करती हैं। तो यही चीज आप पे क्यों नहीं लागू होगी, आप तो वॉच डॉग हो,
आप तो लास्ट माइल जो है जस्टिस का जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है वो आप पे आके खत्म होता है। तो यदि आपके ऊपर में किसी भी तरीके के संदेह उठे हैं, किसी भी तरीके के प्रश्न उठे, तो सिर्फ एक प्रेस रिलीज इशू कर देने से काम नहीं बनेगा मैडम बुच्छ। आप जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए मैडम बुच्छ, और हमारे जैसे लोगों को सवाल पूछने का मौका दीजिए मैडम बुच्छ। मैडम बुच्छ आप प्रश्न से क्यों दूर जा रही है, आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रही है? आप लोगों के ऊपर में स्टोरी लिखने पे एक घुमा फिरा के धमकी दी जाती है कि ज्यादा उड़ो मत, नौकरी खा जाएंगे। अरे नौकरी की किसको चिंता, मां सरस्वती का आशीर्वाद है, जहां खड़े हो जाएंगे वहां लक्ष्मी आ जाएगी, हमें उस बात की कोई चिंता नहीं है। परंतु मैं ये जानना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रही है? क्या आपने अपने नरेंद्र मोदी जी से यही शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वो मीडिया को पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं, आप भी मीडिया को पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे? आप क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके ये सारे प्रश्नों को जो आपके ऊपर में उठाए जा रहे हैं और आपके हस्बैंड धवल मुज्जी के ऊपर में उठाए जा रहे हैं, उसके एक एक प्रश्नों का आप जवाब दें? और मैं ये जानना चाहता हूं आखिर में कि यदि आपको इतने सारे पावर दिए गए हैं तो आप सिर्फ ये बच के बोल के नहीं निकल सकते हैं कि हमने तो डिस्क्लोजर दे दिया था कंसर्न्ड ऑफिशियल को। आप एक चीज समझिए संजय जी, ये क्यों माधवीपुरी बुद्धि का केस जो है इतना सेंसिटिव है? सुप्रीम कोर्ट ने अदानी के ऊपर में कमिटी अपॉइंट किया और कहा कि सेबी इसकी जांच करेगी। ठीक है, सेबी की मुखिया है माधवीपुरी बुद्धि। ठीक है, माधवीपुरी बुद्धि की बॉस है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के बॉस है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के दोस्त है गौतम अदानी। तो बात पूरी सर्कल घूम के आ जा रही है कि यदि किसी भी तरीके से माधवीपुरी बुद्धि अदानी जी से रिलेटेड है या कॉरपोरेट से रिलेटेड है, जिसके ऊपर में निगरानी रखने का उनको काम दिया गया, जिम्मेदारी दी गई है, यदि वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नजर आती है, संदेह भी उठता है, तो उनके ऊपर में तुरंत जांच बैठनी चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने जांच क्यों नहीं बैठाई है माधवीपुरी बुद्धि के ऊपर में, मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आप लोगों ने बार बार बोला है कि हम लीगली इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। मेरे सोर्सेस ने मेरे को पुख्ता जानकारी दी है कि माधवीपुरी बुद्धि जल्दी ही पवन खेड़ा को या कांग्रेस को एक लीगल नोटिस भेजेंगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में जाए और रोज नया रिवोल्यूशन आए, रोज कोई नई जानकारी आए और रोज हमें कुछ लिखने का मौका मिले, बोलने का मौका मिले। तो हम इंतजार कर रहे हैं मैडम बुच्छ जो है जल्दी केस फाइल करें, हमें यही उम्मीद है, या नरेंद्र मोदी जी इन्वेस्टिगेशन स्थापित करें। जी संजय, एक बताइए राजीव जी, पवन खेड़ा एक के बाद एक कई एपिसोड निकाले माधवीपुरी बिच के कि सेबी ने यहाँ गड़बड़ करी, सेबी ने यहाँ गड़बड़ करी, दस्तावेज के साथ पवन खेड़ा ने बात की, एक एक कागज दिखाया। इतनी खींचा लेदर होने के बाद सेबी के माधवी जी को हटाया क्यों नहीं मोदी जी ने? मतलब क्या क्या कनेक्शन है कि इतनी पावरफुल लेडी है कि पूरे देश में चर्चा हो गई, सारे दस्तावेज आ गए, तब भी सेबी के अध्यक्ष को हटाया? जबकि सेबी के अंदर के लोगों ने भी कहा, विरोध तो बात वहां भी आया है कि सेबी के अंदर के कुछ लोगों ने तथ्य सामने रखे, इतनी कैसी ताकतवर है माधवी जी की जिनको हटाया नहीं जा सकता? ऐसा कहा जाता है कि माधवीपुरी बुद्ध जी के ऊपर में वरदहस्त गौतम अदानी जी का है। गौतम अदानी जी की कोई बाहर की कंपनी जो उनके भाई विनोद अदानी चलाते हैं, उसके उनका एक था ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, वो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड बरमुडा में लिस्टेड था, बरमुडा में बेस्ड था, उसका एक बच्चा फंड था ग्लोबल अपॉर्चुनिटी डायनामिक फंड। उस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी डायनामिक फंड का एक छोटा सा फंड था आईपी प्लस फंड। ठीक है, उस फंड के अंदर में माधवीपुरी बुद्धि और धवल बुच्छ ने इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, जो विनोद अदानी के फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विनोद अदानी गौतम अदानी के इसमें कंपनी में पैसे लगा रहे हैं। संजय भैया, पिछले 22 साल से मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हूं और खासतौर पर फाइनेंशियल। मैं आपको एक सीधा साधा तरीका बता रहा हूं जो मैंने इतने सालों में देखा है। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सरकार से नजदीकियां बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जो सरकार के करीबी जो औद्योगिक घराने हैं, ये उनकी कंपनीज में अपना काला धन लगाते हैं, उनकी कंपनी में अपना पैसा पार्क करते हैं, और इस तरीके से वो उस कॉरपोरेट हाउस के क्लोज हो जाते हैं। और कॉरपोरेट हाउस चूंकि गवर्नमेंट के क्लोज है, तो ये ब्यूरोक्रेट्स को प्लम पोस्टिंग मिलती है, बड़ी पावरफुल पोजीशन मिलती है। ये एकदम एक मतलब सीक्रेट वेपन है, जो भी आईएएस ऑफिसर देख रहे होंगे, जो नए बच्चे भी गए होंगे आईएएस ऑफिसर बनके, यही भैया तरीका है। आपके सीनियर लोगों ने बहुत अजमाया है और ये 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं।
कि आप कोई औद्योगिक घराना पकड़ो, औद्योगिक घराने में अपना ब्लैक मनी पार करो जो गवर्नमेंट के करीब है, गवर्नमेंट खुद ब खुद आपका ख्याल रखेगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि माधवीपुरी बुद्ध जी ने अपना कोई काला धन लगाया है, वो सफेद ही धन होगा, मैं इसमें बिल्कुल नहीं बोल रहा। परंतु सवाल ये उठता है कि जब विनोद अदानी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था या गौतम अदानी के केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तब क्या सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी के सामने या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने माधवीपुरी बुच ने इस चीज का खुलासा दिया था क्या कि ये जो फंड्स के नाम आ रहे हैं इसमें से एक फंड में मैंने भी इन्वेस्ट किया है, कहीं उन्होंने खुलासा दिया था क्या? यदि दिया था तो वो हमारे सामने सार्वजनिक किया जाए। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इतने सेंसिटिव पोस्ट पे जिन भी लोगों का नियुक्ति होता है इनके सारे डिस्क्लोजर क्यों नहीं आप इंटरनेट पे डाल देते हो? माधवीपुरी बुद्ध जी जो है वो लेटरल एंट्री का बेस्ट एग्जाम्पल है। जब ये आई थी तो बाप ढोल बाजे तमाशे के साथ जो है गुणगान किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर से जो है ये पहली बार गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई आदमी आ रहा है, ये लेटरल एंट्री के दुष्परिणाम है। हमें नहीं मालूम है माधवीपुरी बुद्ध जी सिंगापुर में इतने साल रही, वो अपने करोड़ों के साम्राज्य यानी करोड़ों की जो भी उनकी कंसल्टेंसी चल रही थी अगोरा पार्टनर्स के अंडर में, उसको छोड़ के वो क्यों 35 लाख की नौकरी उन्होंने 2017 में सेबी में पकड़ी? ये सवाल होना चाहिए, गहन जांच का विषय है कि माधवीपुरी बुच ने 2017 में अपने करोड़ों की कंसल्टेंसी को छोड़ के क्यों 35 लाख की नौकरी ली, और 35 लाख की उनकी नौकरी लेते से कैसे धवल बुच जी को कंसल्टेंसी के तमाम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। सवाल ये उठता है कि ब्लैकस्टोन जिससे सेबी डील कर रहा है उस वो धवल बुद्ध जी को दे रहा है, LIC दे रहा है जिसको तमाम तरीके के एग्जेम्पशन दे रहे हैं, क्यों नहीं कोई लॉजिस्टिक कंपनी का इसके अंदर में नाम आ रहा है? क्यों नहीं TCI एक्सप्रेस का नाम आ रहा है? क्यों नहीं गति का नाम आ रहा है कि इन्होंने कंसल्टेंसी दी है? यदि ऑल कार्गो ने दी रहती तो मैं शायद कुछ नहीं बोलता, क्योंकि धवल बुद्ध जी की एक्सपर्टाइज लॉजिस्टिक में, वो लॉजिस्टिक कंपनी को अपना दे रहे हैं एक्सपर्टाइज। परंतु ये ऐसी ऐसी कंपनीज को जो है वो एक्सपर्टाइज दे रहे हैं जिनका लॉजिस्टिक से कोई लेना देना नहीं है, तो सवाल तो बनता ही है और जांच भी बनती है। क्यों नहीं भारत सरकार अभी तक जांच बिठा रही है? देखिए मेरा ये मानना है इसके पीछे कारण ये कि माधवीपुरी बुद्ध जी गौतम अदानी के बारे में बहुत कुछ जानती है, जो ऐसा लगता है कि यदि वो चीजें सामने आई तो नरेंद्र मोदी सरकार भी खतरे में आएगी और गौतम अदानी भी खतरे में आएंगे। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो भी कॉरपोरेट मालफियंस हो रहा है, जो भी मौके मिले हैं गौतम अदानी जी को, वो मौके जो है वो सही तरीके से नहीं दिए गए, और गौतम अदानी जी की जो जांच हुई है वो निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। मेरा ऐसा मानना है, मैं पर्सनली इस बात पे बिलीव करता हूं कि जितनी सघन जांच होनी चाहिए थी, जितने तेजी तीव्रता के साथ जांच होनी चाहिए थी, आज 1.5 साल हो गए और अभी तक उस जांच में कुछ भी नहीं निकला, 2-3 फंड्स का तो पता ही नहीं चला कि इसके पीछे इन्वेस्टर्स कौन है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म के पीक के रूप में मैं गौतम अदानी को देखता हूं। कैपिटलिज्म R&D को जो है वो इनाम देता है, कैपिटलिज्म जो है वो आपके इनोवेशन को पुरस्कृत करता है, पर अदानी ग्रुप ने क्या इनोवेशन किया ये मुझे मालूम नहीं। और माधवीपुरी बुद्ध जी जो है इनके ऊपर में इसीलिए संशय हो रहा है क्योंकि इनका काम था जांच करने का, परंतु जांच के बदले ये पाया गया कि ये तो गौतम अदानी के ही एक फंड में, मतलब जिस कंपनी ने इन्वेस्ट किया उसी में कभी ये इन्वेस्टर रही है, इसीलिए इंपॉर्टेंट केस है। संजय जी वैसे मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के फोन आए मुझे पिछले 2 दिनों से और असंख्य मैसेजेस आए, और आपके ऊपर भी लोग जो है वो संशय कर रहे हैं कि भाई आप जो है आप गौतम अदानी के साथ बैठ गए हैं, मिल गए हैं और आपने अपनी इंटीग्रिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर ली है, और बहुत लोगों ने मुझे शिकायत की और उन्होंने मेरा व्यू जाना कि आपका व्यू क्या है। मैं बोला जो मेरा 2023 में व्यू था वही मेरा 2024 में आज भी व्यू है, मेरा व्यू कोई बदला नहीं है। परंतु सवाल आपको लेके जो है वो इतने उठ रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है, संजय जी मैं आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, छोटा भाई हूँ, मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना है, मैं एकदम से अनएक्सपेक्टेडली आपको ये क्वेश्चन दाग रहा हूं, परंतु मेरा ये मानना है कि आपको इस चीज पे सफाई देनी चाहिए, क्योंकि मैं लोगों के फोन उठा उठा के और मैसेजेस देख देख के परेशान हो गया हूं, मैं उनको सफाई देके परेशान हो गया हूं। कृपया करके इस चीज पे थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण डालें, अपना विचार रखें कि जो आपने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था वो क्या सोचकर क्यों बनाया था। जी संदीप ताजी भाई, मैं हालांकि मैं विषय में बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत जिंदगी में ये मानना है कि आप जो कर रहे हो वो खुले किताब है, ऐसा कोई ऐसा आचरण होना चाहिए जो मैं हमेशा शो में भी कहता रहता हूँ कि खुली किताब होना चाहिए।
अगर गौतम अडानी से डील हुई होती, अगर गौतम अडानी से डील है, या अगर गौतम अडानी से डील होने की संभावना है, जैसे मेरे कुछ मित्र बहुत महीनों से बातें फैला रहे हैं, तो क्या राजीव रंजन सिंह मेरे शो में आ सकते थे? आप वो पत्रकार हो जिसने देश में गौतम अडानी के खिलाफ सबसे ज्यादा रिपोर्टें छापी, आप वो पत्रकार हो जिसने गौतम अडानी के खिलाफ सबसे ज्यादा लिखा है, और आप महीनों से मेरे साथ हो। गौतम अडानी का जो वीडियो मेरा बहुत विवाद में है, उसके दूसरे या तीसरे दिन आप उससे बात कर रहे थे, आपने गौतम अडानी के खिलाफ बोला, रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, मैं उलाइन काट सकता था, क्या काटा? नहीं काटा। हमारे अखिल सौबी जी आते हैं, जैसे वीडियो हुआ तो बड़े भावुक इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है, वो जगह कह के बैठ जगह वीडियो में कह रहे थे, मैंने सुना, मैं मुस्कुरा के रह गया कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज संजय जी को मैंने देखा और मेरे को उम्मीद नहीं। अगले दिन वो मेरा एक प्रोग्राम रिकॉर्डेड करते हैं, उन्होंने गौतम अडानी के खिलाफ बोला, ये मेरे वीडियो आने के अगले दिन है। मेरी टीम ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा गौतम अडानी के खिलाफ बोल के गए। मैं कहा लगाओ ना, डेमोक्रेसी इसी को कहती है। जिस दिन मैंने गौतम अडानी के पक्ष में कथित रूप से बोला, उसके अगले दिन 24 घंटे के अंदर अखिल स्वामी का गौतम अडानी के खिलाफ मेरे प्लेटफॉर्म पे गया। मैं रोक सकता था। और गौतम अडानी से डील जब होगी तो क्या होगी? यही तो होगी कि मैं मोदी जी के खिलाफ खबर मत छापो। क्या देश में हमारे चैनल से ज़्यादा इस सरकार पर रोज किसी ने वीडियो बनाए हैं? एवरेज नेशनल चैनल पर 4PM नेशनल पे 20 से 22 का एवरेज होता है, 20 में 19 वीडियो मोदी सरकार के खिलाफ होते हैं। क्या कभी किसी और का हुआ? पिछले एक महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, पिछले दो महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हमारे यहाँ डिबेट हो, शो हो, हर दूसरे दिन किसी ना किसी व्यक्ति ने किसी संदर्भ में गौतम अडानी के खिलाफ बोला है। एक जने बैठ जाए ना, बड़े भावुक दर्शक होते हैं। मुझे भी बड़ा दुख सा हुआ, कुछ बड़े सेंटीमेंट टाइप के मैं कमेंट देख रहा था कि संजय जी अपनी स्थिति साफ करिए। मैंने कहा बिल्कुल, मुझे कुछ आपने पूछ लिया मैं बता दिया, वरना मुझे लगा बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं अपने वीडियो बनाता रहूंगा, मेरे वीडियो ही तो मेरी पहचान है। देखते रहेंगे, समझ में आ जाएंगे कि अडानी से डील है तो क्या मैं मोदी की तारीफ करने बैठ गया, सरकार की तारीफ करने बैठ गया? दूसरी बात राजीव जी, इस देश के जितने पत्रकार हैं, एक जने ने मुझसे कहा, सीनियर आदमी दिल्ली के थे पत्रकार, उन्होंने कहा यार ये सब चीज़ तुम क्यों परेशान रहते हो इतना? राजीव भाई, आपके माध्यम से दर्शकों से कह देता हूँ, जरा ये मालूम कर लीजिएगा, जो बहुत तकरीरें देते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं, क्या किसी के खिलाफ सरकार ने आर्थिक अपराध अनुसंधान की जाँच सेटअप करी? मेरे खिलाफ करी। मैंने तो मंच पर, आप उस कार्यक्रम में थे, मंच पर बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला कि मुझसे सरकार ने कहा कि 10 करोड़ रुपए साल का विज्ञापन लो, जवान बंद रखो। मेरे खिलाफ हुई, किसी पत्रकार के खिलाफ नहीं हुई है। ईओडब्ल्यू की जांच मेरी जानकारी में तो नहीं है, जो पहले 25-30 लोग हों उनमें किसी के खिलाफ हुई हो। मेरे खिलाफ भी सरकार ने, भारत सरकार को लिखा, इनकी ईडी की, इनकम टैक्स की जाँच करा ली जाए। मेरी पत्नी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने, के एडीजे ने मां नानी का मुकदमा, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन सूट दायर किया, मेरे और मेरी पत्नी को जमानत करानी पड़ी। मेरा सरकारी मकान उत्तर प्रदेश में 500 पत्रकार रहते, केवल मेरा खाली खड़ा है। मेरे ऑफिस पे हमला हुआ, कितने झेला ये बात? मैंने झेली, और इस झेलने के बाद वो टूट जाते हैं। मुझसे कहा गया कि तुम्हारी हत्या हो सकती है, पुलिस वाले ने कहा। मेरे घर वर पे जितना लोन था उससे दुगना मैंने अपना इंश्योरेंस कराया कि मैं मर जाऊँ तो बच्चे सड़क पर ना। क्या इसके बाद ही मुझे सफाई देनी पड़ेगी? ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका, और इसके बाद भी मुझे सफाई देनी पड़े तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं है यूट्यूब चलाने की। कोई मकसद नहीं है राजीव भाई। हम बार बार अपना सत्यापन करेंगे। अब कुछ लोगों को मजा आ रहा है मेरे ऊपर वीडियो बना के, अगर अपने वो व्यूज लेना चाहते हो लें, बहुत अच्छी बात है। बड़े भारी पत्रकार हैं, हमें सिखाया उन्होंने, हमें हमारी टीआरपी बनाई। खुद के चैनल पर तो सालों में 10 लाख सब्सक्राइबर ना हुए, हमें टीआरपी सिखाई। हम लाइव उदाहरण हैं। पिछले दो महीने में आप जो दर्शक, आप जो मुझ पर कमेंट कर रहे हो, मैं पुणे में था, पुणे में पत्रकारों की गोष्ठी थी, मैं उसमें भी यही भाषण देकर आया। फिर यूनिवर्सिटी में मेरा संबोधन था, मैं वहां भी ये कह के आया। आप मेरी बात पे यकीन मत करिए ना, पिछले दो महीने का 4PM का एक एक वीडियो उठा के सुनिए, थोड़ा टाइम खर्च करिए। और पिछले दो महीने में 50 बार अगर गौतम अडानी के खिलाफ खबर ना गई हो तो मैं चैनल बंद कर दूं। डील ये होती है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया, मुझे लगा कि ये गलत है, मैंने बनाया। अब मैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। आप मुझसे नाराज हुए, मयूर जानी नाराज हुए, संजीव नाराज हुए। मयूर जानी ने कहा नहीं हुई तो भैया विज्ञापन वाला एडवर्टोरियल है, आपको एडिटर वाला नहीं करना चाहिए था।
हो सकता है 4 साल से मैं YouTube चैनल चला रहा हूँ, हो सकता है एक वीडियो मेरा ऐसा बना जिसमें लोगों को परेशानी, मुझे लगा कि हिंडनबर्ग ने गलत आरोप लगाया, हमारा शेयर मार्केट, हमारा नुकसान हुआ था, हमारे पड़ोसी का नुकसान हुआ था, हमको लगा एक रिपोर्ट बननी चाहिए, बिल्कुल सवाल करने चाहिए। राजीव भाई आप तो जब से मेरे संग जुड़े हो हर हफ्ते में किसी ना किसी मुद्दे पर अडानी पे सवाल करते हो, मैंने कभी रोका आपको कि अडानी पे सवाल मत करो, मेरे यहाँ डेमोक्रेसी है। कल को राजीव रंजन जी, मेरा योगेश, मेरे ऑफिस का कोई और स्टाफ अडानी के पक्ष में खबर बना के चलाएगा तो मैं उसको भी नहीं रोकूंगा, और आप उसी दिन अगर अडानी के खिलाफ बना के चलाओगे मैं उसको भी नहीं रोकूंगा। मैंने आज वहां पे पत्रकार सम्मेलन में कहा, मैं कार्यक्रम में गया था पत्रकारों का सम्मेलन, मुझसे कहा कि वहां मत जाओ, संघ का कार्यक्रम है, आरएसएस के लोग पत्रकार हैं, आरएसएस की मानसिकता के हैं। मैंने उस प्रोग्राम में कहा मैं जरूर जाऊंगा, बात अपनी करूंगा, मुझे मोहन भागवत जी नागपुर बुलाएंगे मैं वहां भी जाऊंगा संघ कार्यालय में, बात अपनी करूंगा। केवल एक लाइन कहना चाहता हूं दर्शकों से, संजय शर्मा जब तक जिंदा है, जब तक यूट्यूब चैनल चला रहा है, तब तक सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे तीखी लड़ाई लड़ता रहेगा। संजय शर्मा जब तक चैनल चला रहा है तब तक जाति की बात करने वाले, दलित और पिछड़ों के खिलाफ अभियान चलाने वालों के खिलाफ लड़ता रहेगा, धर्म के नाम पर हिंसा के खिलाफ बोलता रहेगा, किसान बेरोजगारों के सवाल में बोलता रहेगा। किसने राजीव भाई उत्तर प्रदेश में रहकर चार चार पांच पांच PIL करी है, गंगा में लाशें बह रही थी कोरोना में, योगी आदित्यनाथ का आतंक था, हमने NGT में जाकर रेड करी है, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार को नोटिस जारी हुआ, पान मसाले पे अलाउ कर दिया गया, हमने कोर्ट में जाके PIL करी है। अखिलेश यादव की सरकार थी, प्रमुख सचिव नियुक्ति थे, उनको जमीन घोटाले में सजा हुई, हमने PIL करी है, IAS को हटाना चाहिए, 3 साल की सजा होगी IAS, हमने संघर्ष किया, हमने झेले हैं। ये जो YouTube पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर देती है, बस दर्शकों मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे बहुत, मेरे लिए मैं चाहता हूँ भगवान उनको लंबी उम्र दे और तरक्की दे। मैं नाम लूंगा ना तो मतलब मैंने अपनी टीम से कहा, उन लोगों को बड़े गुस्से में थे कि सर आप भी बता दीजिए, आपको भी तो इनकी सबकी कहानियां पता है, मैं कहा झोला भर पड़ा है, लेकिन हमेशा बड़ी लाइन खींचो, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, जो उनके मन में उनको लग रहा है कि उनके कहने से बहुत नुकसान हो गया हमारा, तो वो खुश हो, नुकसान होना का होगा, प्रूव आया है, अच्छा होगा अच्छा होना होगा, बुरा बोला होगा बुरा होने गया, कल को मुझे फिर अडानी के कोई काम अच्छा लगा मैं फिर बोलूंगा, कोई खराब लगेगा मैं फिर बोलूंगा, मेरे यहाँ कोई अडानी के खिलाफ बोलेगा उसके भी स्वागत, कोई पक्ष बोलेगा उसका भी स्वागत, मैं दर्शकों को किसी भ्रम में नहीं रखूंगा। मैंने कहा ना आप चेक करो मेरी बातें मत जाओ, मैं पिछले एक महीने की डेट में तो जाके अपना कोई वीडियो डाल नहीं पाऊंगा, डेट आती है, और मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, 2 महीने में 50 बार से ज्यादा अडानी के खिलाफ नहीं गई हो, जिस दिन मैंने अडानी के पक्ष में बोला होगा आपने बोला, उसके 2 दिन बाद आपने बोला, उसके 1-2 दिन पहले 2 दिन पीछे भी वीडियो देख लीजिएगा अडानी के खिलाफ गई या नहीं गई। मेरा ओपिनियन था, हो सकता है गलत हो, आपको बुरा लगा कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी बात, हो सकता है आपकी भी भावना है, आपको लगता होगा मुझे अडानी के पक्ष में नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया तो आपको बुरा लगना स्वाभाविक है, दर्शक मेरे सिर माथे, उनकी भावनाएं मेरे सिर माथे, लेकिन आज आपने सवाल किया तो मैंने बता दिया मैं चाहते ही नहीं था इस मुद्दे में बोलना, मुझे लगा कि दर्शक तय कर लें, अगर उनको लगता है कि संजय शर्मा की ईमानदारी में कुछ संदेह तो बिल्कुल मत देखें, एकदम चैनल छोड़ दें, लेकिन मेरे वीडियो प्रमाण होंगे, हवा में नहीं होंगे, मेरी जिंदगी प्रमाण है, नेट पे डाली, इंटरनेट पे संजय शर्मा हमला, प्रिंट से लेकर वायर ने सबने टीम ने आके उत्तर प्रदेश में मेरे ऊपर कवरेज करी, उत्तर प्रदेश का इकलौता पत्रकार हूँ जो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करता है, उत्तर प्रदेश में सूरज की रोशनी पर टॉर्च लेकर ढूंढेंगे तो एक पत्रकार नहीं मिलेगा तो सरकार से इतने सवाल करता हूँ जिसके सरकार इतने पीछे पड़ी हो, लखनऊ में रहने वाला अकेला पत्रकार हूँ, दिल्ली की सुरक्षित गलियों में बैठ के बोलना और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के घर से 3 किलोमीटर दूर बैठ के सरकार से सवाल करने में बहुत अंतर होता है। देखिए ये अंतर मैंने झेला है, स्वीकार किया राजीव भाई आपने इतनी बातें, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दर्शकों को अपनी तरफ से, देखिए मुझे बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे कॉल आए, और संजय भैया बड़े भैया हैं मेरे, मैंने इनसे बात भी किया, बड़ा नाराज भी हुआ, इन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए मेरी सारी बातें सुनी, मतलब उसपे, और मैं इस चीज को मानता हूं, इन्होंने मेरे से एक ही सवाल पूछा कि राजीव मैंने कभी तुम्हें आज तक मना किया है क्या कि तुम गौतम अदानी के बारे में मत बोलो, या मैंने कोई वीडियो तुम्हारा एडिट किया है क्या जिसमें तुमने गौतम अदानी के बारे में अगेंस्ट में बोला है और मैंने काट दिया। मैं निरुत्तर था, मेरे पास में उसका उत्तर जो है नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूं उन्होंने कभी नहीं किया है, उन्होंने कभी भी मुझे नहीं रोका है कि तुम इसके अगेंस्ट में बोलो या इसके फॉर में बोलो, ऐसा मुझे कभी इंस्ट्रक्शन कभी कुछ नहीं दिया है, और देंगे भी तो उनको मालूम है मैं फॉलो नहीं करूंगा, परंतु ये उनकी उदारता है
ये उनकी उदारता है कि उन्होंने गौतम अदानी के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को 2023 से मैं मुखर होकर गौतम अदानी के अगेंस्ट में और अदानी कंपनी के अगेंस्ट में बोल रहा हूं, और उन्होंने 4PM का प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया अपने पॉलिटिकल थॉट्स रखने के लिए, इकोनॉमिक और फाइनेंस नहीं, वो तो मैं वैसे ही करता हूं, वो आंख बंद करके बोल सकता हूं, परंतु उन्होंने मुझे इकोनॉमिक फाइनेंस पॉलिटिकल उन्होंने बोला जो ज्ञान दे सकते हो जिससे जनता का ज्ञान बढ़े, जिससे जनता को नई इंफॉर्मेशन मिले वो दो, क्योंकि मैं उत्तरदायी हूं, अकाउंटेबल हूं जनता के लिए, मैं गोदी मीडिया की तरह नहीं हूं, मैं जनता के लिए अकाउंटेबल हूं। ये मैं संजय शर्मा को इस चीज का फुल क्रेडिट देता हूं। जितने भी लोगों ने मुझे फोन किया मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया था कि भाई मैं उनसे पूछूंगा, इसीलिए मैंने आज आपसे एकदम बिना दर्शकों को भी कंफ्यूजन था, बहुत सारे ट्वीट पे लिख रहे थे। देखिए जिसको जो कहना है वो कहेगा, अच्छे ने अच्छा बुरे ने बुरा जाना मुझे, हर किसी ने अपने ही रुतबे से पहचाना मुझे। मैं फिर दर्शकों से कह रहा हूँ, कल को मुझे अंबानी की कोई चीज अच्छी लगेगी मैं अंबानी की तारीफ में शो करूंगा। अंबानी आज अपने चैनल पे हिंदू मुसलमान करना बंद कर दे, मैं कहूंगा कि अंबानी का चैनल सुधर गया। कल को अडानी की चीज अच्छी लगी मैं फिर अडानी के ऊपर शो कर दूंगा कि अडानी की चीज मुझे अच्छी लगी। लेकिन मुझे मेरे चैनल पर उसी दिन जिस दिन मैं अडानी के पक्ष में शो करूंगा तो राजीव रंजन का विरोध करेंगे, मैं उनको भी नहीं रोकूंगा। मेरे 12 चैनल हैं, सारे स्थानीय संपादक हैं, मयूर जानी बहुत नाराज थे, संजीव थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कभी मैंने तुम लोगों से कहा है कि खबर रोक दो, कभी तुम्हारी किसी स्टोरी को मैंने कहा रोक दो। ये मैं इस चैनल को एक डेमोक्रेटिक चैनल बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हर विचार रहे। जिस दिन तारीफ हुआ फिर अखिल स्वामी जी ने बड़े गुस्से में आके पूरा अडानी के खिलाफ बोला, बाद में उनसे कहा भी अखिल स्वामी जी ने कि मुझे आज तो संजय जी को देख के बड़ा अच्छा लगा कि मैंने बोला मुझे लग रहा प्रोग्राम चलेगा नहीं, उन्होंने पूरा चलाया। तो कोई सफाई नहीं है। मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, यूट्यूब की दुनिया ने आपको बहुत भावुक भी कर दिया, इमोशनल भी कर दिया, लाइन खींच दी, जरासी भी लाइन के उधर जाते वो दिखाई देता है तो लोगों को दर्द होने लगता है। तो दर्द होना स्वाभाविक भी है राजीव जी, इस देश के जो हालात हैं, इस देश की जो मीडिया के हालात हैं, ये देश की मीडिया ने जो धोखा दिया है लोगों को, ये दर्द होना, ये दर्द होना स्वाभाविक है। मैं उन सबके भावनाओं की इज्जत करता हूँ जो ये कह रहे हैं कि आप अडानी जी से मिल गए, अडानी से बिक गए, लेकिन थोड़ा सा मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दर्शक इतने मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, इतने मानसिक रूप से मजबूत हो जाएं कि वो देखें कि जो अडानी का बिका हुआ चैनल जिसको वो कह रहे हैं उस पर अडानी के खिलाफ खबर चल रही है, उस पर मोदी सरकार के खिलाफ खबर चल रही है। अगर ये बिक गया हुआ तो अडानी के खिलाफ कैसे चल सकती है, मोदी सरकार के खिलाफ कैसे चल सकती है? क्या चलिए ठीक है, दर्शक भगवान है, दर्शक सब कुछ है, दर्शक ही आत्माएं हम लोगों की, तो दर्शक को जो स्वीकार, आप दंड देना चाहे, नाराज होने जाना चाहे मेरे वीडियो से वो स्वीकार, आप खुश हो जाना चाहे मेरी बात से वो स्वीकार, आप जो चाहे, हम अपनी ये शैली अपनाते रहेंगे। आज पूना में बहुत सम्मान मिला केवल इसी शैली से, तो मतलब लोगों को पसंद आई है, यही बातें तो पसंद आएंगी, तो आपकी बात शर्माते हम लोगों ने अपनी पर्सनल बातें करने लगे। दूसरी चीज मुद्दे पे आता हूँ, थोड़ी सी आपसे राजनीति बातें करने में भी मुझे मजा आता है, आज बहुत सारी पर्सनल बातें हो गई। मुझे ये बताइए, कश्मीर में प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें करी, पहली बार कश्मीर में इतना मतदान हुआ, ये गवाही है कि आतंकवाद खत्म हो गया, 100 दिनों में इतने बहादुर सैनिक मारे गए हमारे आतंकियों ने, इतने बहादुर सैनिक मारे, सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। मैं प्रधानमंत्री जी का ट्विटर अकाउंट देख रहा था कि जितने सैनिक मारे हैं हर सैनिक के लिए एक ट्वीट तो बनता है देश के प्रधानमंत्री का। अभी मैं फ्लाइट में, मैं कभी भी कुछ अच्छे वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, मूवी का शौक है तो मूवी भी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं भी 1971 भारत पाकिस्तान का युद्ध की एक पिक्चर है उसी नाम से, मैं पूना से यहाँ तक 2.5 घंटे की फ्लाइट थी तो मैं वही पिक्चर देखते हुआ, उसमें यही था कि नेता जो होते हैं सत्ता के लिए युद्ध कराते हैं और फिर बाद में युद्ध रुक जाता है, लाशें बचती है दोनों तरफ से। क्या एक सैनिक जो देश के लिए शहीद हो गया, सीमा पे शहीद हो गया, देश के प्रधानमंत्री को एक ट्वीट करना भी याद नहीं आया? उनको ये लगा कि 100 दिन में उनको 22-23 ट्वीट करने पड़ेंगे, देश सवाल पूछेगा कि 100 दिनों में 23 लोग मर गए, आप कर क्या रहे, इसलिए ट्वीट तक नहीं किया। और वहां जाके इस हद तक ये बयान देना कि आतंकवाद खत्म हो गया इसीलिए वोट पड़ रहे हैं, मेरे पास में ये सूचना है वोट इसलिए पड़ रहे हैं, घाटी के लोग जवाब देना चाहते हैं कि आपने जिस धारा 370 को हटाने के बाद आतंकवाद खात्मे की बात की थी, पहले आतंकवाद घाटी में था, आपके कुकर्मों की वजह से वो जम्मू में भी आ गया, आतंकी घटनाएं जम्मू में भी होने लगी। मैं कश्मीर जाने का प्लान कर रहा हूँ, कश्मीर में जाके रिपोर्टिंग करूंगा,
आज ही लौट रहा हूँ, कल का दिन रुकूंगा, शायद होता है परसों कश्मीर जाऊँ, कश्मीर में देखूंगा हालात है। लेकिन राजीव जी, प्रधानमंत्री का ये आचरण इस सैनिकों के प्रति, सैनिक परिवारों के प्रति क्या संदेश देता है? क्या प्रधानमंत्री के अंदर संवेदना नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो हम सबके प्रधानमंत्री हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी का अगाढ़ जो विश्वास है वो सिर्फ उन्हीं घटनाक्रम में जहां से उनको मार्केटिंग माइलेज मिलता है, ठीक है। यदि मार्केटिंग माइलेज उनको मिल सके किसी भी तरीके से ट्वीट करके तो वो जरूर करेंगे, और यदि नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेंगे। ये आप मतलब आप इसको अच्छा मान ले बुरा मान ले, आई मीन मुझे नहीं मालूम आप इसको कैसे लेंगे, परंतु ये दर्शाता है ट्रांजैक्शनल बिहेवियर का, ट्रांजैक्शनल माइंडसेट का, कि मुझे किसी चीज से क्या फायदा होगा उसी हिसाब से मैं अपने क्रियाकलापों को जो है वो अंजाम दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 हटाया और उसके बाद जो जिस तरीके की घोषणाएं की थी, आज वक्त है कि देश उनसे तकाजा करे, देश उनसे पूछे कि जो आपने उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी उन घोषणाओं के अनुरूप कितनी चीजें हुई और कितनी चीजें उसके विपरीत हुई। ये प्रश्न तो, ये अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी जरूरी है। दुख की बात यह है संजय जी कि ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है मीडिया द्वारा, और इस देश का जो मीडिया, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, ये प्रश्न नहीं पूछता। ये प्रश्न आज भी राहुल गांधी से पूछेगा, ये प्रश्न आज भी मुलायम सिंह यादव के जो सुपुत्र अखिलेश यादव उनसे पूछेगा, ये प्रश्न जो है आज भी लालू यादव से पूछे जाएंगे या उनके सुपुत्र से पूछे जाएंगे, परंतु प्रश्न जो है वो सरकार से नहीं पूछे जाएंगे। क्योंकि अब जो है, आपने बहुत सही कहा कि इस देश में एक क्लियर विभाजन हो गया, एक लकीर बन गई है, और हम मीडिया के लोग भी उसके पार्ट बन गए हैं। हमें जहां सवाल करना चाहिए जो हमारी कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित करे, हम उस चीज की अवहेलना करते हैं। ये बनता है नविका कुमार का, रूबिका लियाकत का, अर्णब गोस्वामी का, अमन चोपड़ा का, और इन सब के बॉस, गोदी मीडिया के बॉस रजत शर्मा जी का, कि वो अपने सेट पे बुला के नरेंद्र मोदी से प्रश्न करें। कभी आपने आपकी अदालत में या जनता की अदालत, जो भी उनका प्रोग्राम है, कभी देखा है, कभी सुना है कि उन्होंने बुला के उनसे ये प्रश्न किया हो कि भाई आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कश्मीर में, उसका अंजाम तो हुआ नहीं जैसा आपने कहा था, तो आप कहां विफल रहे? जहां भी विफलता के सवाल है वहां अर्णब गोस्वामी मौनी बाबा बन जाते हैं, जहां भी विफलता का सवाल उठता है वहां पर शर्मा जी जो है वो मौनी बाबा बन जाते हैं, वहां रूबिका लियाकत गायब हो जाती है, अंजना ओम कश्यप गायब हो जाती है, नविका कुमार गायब हो जाती है। आप क्यों नहीं नरेंद्र मोदी से विफलता का कारण पूछते? देखिए, यूट्यूब का यही फायदा है, यदि एक वीडियो आपका लोगों को पसंद नहीं आया तो लोगों ने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया, और उसका फायदा उठाने के लिए कई और दूसरे यूट्यूबर्स आ गए, ठीक है। और हमारे जैसे लोगों से भी जनता ने प्रश्न पूछे कि आप संजय जी से जुड़े हैं तो आप जवाब दीजिए, उन्होंने हमको भी कटघरे में डाला। पर किस दिन नविका कुमार को कटघरे में डालेंगे? किस दिन अर्णब गोस्वामी कटघरे में आएगा? किस दिन जो है वो अमन चोपड़ा से प्रश्न किए जाएंगे? किस दिन अंजना ओम कश्यप से प्रश्न किए जाएंगे? और किस दिन इस पूरे गोदी मीडिया के बॉस रजत शर्मा से प्रश्न किए जाएंगे? कि आप ये बताइए कि क्यों नहीं आप मोदी जी से उनकी विफलताओं पर प्रश्न पूछते हैं? क्यों नहीं आप भाजपा के विफलताओं पर प्रश्न पूछते हैं? क्यों नहीं आप अमित शाह से एक प्रश्न पूछने के बाद में उसका काउंटर क्वेश्चन करते हैं? संजय शर्मा से तो सवाल होता है, राजीव रंजन सिंह से भी सवाल होता है, इनसे कब सवाल पूछेगी इस देश की जनता? मुझे ये जानना है, मुझे ये समझना है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक है, वो वक्त आएगा जब जनता जरूर सवाल करेगी, जनता ये सब जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतना समय दिया, विस्तार से समझाया। किसी और दिन फिर हम शेयर मार्केट पे और आपसे बात करेंगे, हमारे शेयर उल्टे पुल्टे क्यों होते हैं इस पर भी बात करते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन जी, और कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा। आज थोड़ा इमोशनल टाइप की बातें भी हो गई, तो लंबा हो गई बातचीत, लेकिन आपके जवाब की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।